मैं हूं नीरू, आप देख रहे हैं टीवी 9 और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रतीक गांधी। प्रतीक, स्वागत है आपका टीवी 9 में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका नाम लेते ही सब बोलने लगते हैं स्कैम। नेशनली इतना आपको रिकग्निशन मिला, साल 2020 की बात करें तो लोगों के लिए बहुत ही टफ था, लेकिन इसी साल ने आपको काफी नाम कमा के दिया है आपके टैलेंट ने। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल साल था ये। मेरे करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मुझे मिला स्कैम में। स्कैम रिलीज हुई लास्ट ईयर और उसके बाद दुनिया सच में बदल गई मेरे लिए। मेरे आजू बाजू बहुत कुछ बदल गया है। अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर आल्सो, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड राइट नाउ। द बिग बुल अभी आई है हाल ही में अभिषेक बच्चन की, उनसे जब मैंने बातचीत की थी तो उनसे भी मैंने पूछा कि आपकी फिल्म, आपकी वेब सीरीज उन्होंने देखी स्कैम 1992 और आपकी भी काफी तारीफ की। इनफैक्ट हर कोई बिग बुल के लिए उनसे सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट सारे जर्नलिस्ट भी उनसे ये बात पूछ रहे थे कि प्रतीक गांधी का परफॉर्मेंस कैसा लगा और स्कैम 1992 उन्होंने देखी या नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है। तो एट टाइम एक ऐसा समय आया जब वो बहुत ऊब चुके थे इस तरह के सवाल से, बट जब मुझसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और कंपैरिजन की जहां तक बात आती है और उनकी तरफ से जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक कंपैरिजन की बात है तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि दो इंसानों को कंपेयर किया जा सकता है। और क्योंकि एक्टर्स हम दो अलग व्यक्तित्व हैं, हम लोग दो अलग अलग इंसान हैं, तो वो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम कोई अगर प्रोडक्ट होते तो शायद कंपैरिजन कर भी लेते हैं। जिस इमोशन को जैसे मैं सोचता हूँ शायद और कोई नहीं सोचता होगा, और जैसे और कोई सोचता है मैं नहीं सोचता हूँ, तो ये कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक अभिषेक बच्चन की बात है तो यार, हमने तो उनकी, मैंने तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन, तो उसका, उनका और मेरा और वैसे कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं, ने कर ही दी शायद। सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा आपका स्कैम रिलीज हुए इसके बाद? आपको फ्रेंड्स, फैमिली, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, गुजराती इंडस्ट्री से जिस तरह से रिएक्शंस मिल रहे थे, सबसे यादगार ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया हो? बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। सबसे यादगार जब शबाना जी ने और जावेद जी ने फोन करके मुझे बताया था कि इन्हें बेहद पसंद आया। जावेद साहब ने बोला था, ये कहा मुझे फोन पे कि कुछ 20-25 सालों बाद उन्होंने इस प्रकार की कोई परफॉर्मेंस देखी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। आप एक गुजराती हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए पूरी तरह से? और लोग जी, मैं गुजराती हूं क्योंकि कैरेक्टर भी गुजराती था जी, तो मुझे लगा मेरा गुजराती होना जरूर मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा इस किरदार को निभाने में और इस स्टोरी में भी कुछ ऐड करने की। बिकॉज हर्षद मेहता वो गुजराती थे और गुजराती मेलू था पूरा उनका वर्ल्ड जो था, शेयर मार्केट की पूरी जो दुनिया थी उसमें गुजराती और मारवाड़ीज पहले से ज्यादा इन्वॉल्व भी रहे, तो मेरा गुजराती होना काम तो कर गया है। इसके बाद स्कैम 1992 के बाद आपको क्या लगता है कि लोगों को, आपको देखने का नजर या लोगों का किस तरह से बदल गया है? क्या आपने कुछ महसूस किया? जी जी जी, बहुत बहुत नजदीक से महसूस किया मैंने, बहुत कुछ चीजें बदली मेरे। जहां तक ऑडियंस की बात करूं तो ऑडियंस को मजा इस चीज का आया कि उनमें से ही कोई आदमी खड़ा होके यहाँ तक पहुंचा है और ये कहानी भी उनके दिल को छू गई, तो उस हिसाब से मुझे ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। वो इस किरदार के सारे इमोशंस के साथ जुड़ पाए, वो इसे फील कर पाए, तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं जिस हिसाब से सोच के इसको परफॉर्म कर रहा था वो चीजें ट्रांसलेट हुई, वो लोगों के दिल तक पहुंची। दूसरा, एक एक्टर की दूसरी जो ऑडियंस होती है वो है मेकर्स, इंडस्ट्री के लोग, तो वहां से भी बहुत प्यार मिला। बहुत प्यार से, यू नो, वेरी वार्म वेलकम दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री आल्सो। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी कहानियां मुझ तक पहुंच रही हैं, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं,
तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड। देखा जाए तो आपने इसके लिए काफी मेहनत भी की है, जिस तरह से आप इसके पहले भी कह चुके हैं काफी समय से आप मेहनत कर रहे थे गुजराती इंडस्ट्री में, एक लंबा समय हो गया था थिएटर की बात करें या फिल्मों की बात करें, उसके बाद मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों की बात करें बॉलीवुड की बात करें, तो आपको लगता है एक बहुत लंबा समय लग गया या जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिली आपने काम किया? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत ये थोड़ा जल्दी आता तो और मजा आता, पर अब जब सोचता हूँ तो ये भी लगता है कि सब कुछ अपने समय पे ही हुआ है। मुझे जिस हिसाब से काम मिलते गया, मैंने जितना भी काम किया, फिर चाहे वो स्टेज पे हो, फिर चाहे वो रीजनल सिनेमा में हो, जो भी मैंने काम किया उस सारे काम से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूं। तो शायद ये बात भी सही हो सकती है कि अगर स्कैम जैसी कोई बड़ी चीज मेरे पास पहले आ जाती तो शायद इतनी बड़ी ना भी बन पाती। तो अब तक मैंने जितना काम किया उसने मुझे तैयार किया है बतौर एक्टर, और तब जाके जब इतने सालों बाद एक ऐसा मौका मिलता है तो शायद मैं उस मौके को उतना न्याय दे पाया, उसे उस हिसाब से परफॉर्म कर पाया। आप अभी बॉलीवुड को बहुत ही करीब से देख रहे हैं क्योंकि आप उसमें हिंदी फिल्मों की भी, आपको दूसरी फिल्मों की भी ऑफर है और इसकी सफलता को भी आपने बहुत अच्छे से देखा है परखा है, आपको क्या लगता है कि गुजराती इंडस्ट्री की बात करिए तो क्यों आपको लगता है थोड़ी बैकवर्ड रह गई है या क्या डिफरेंस है? आपने इतने सालों गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया है और बॉलीवुड की बात करें, किस तरह का डिफरेंस है और क्या आपको लगता है कि किस तरह के सुधार करने की जरूरत है उसमें? देखिए जहां तक डिफरेंसेस की बात है तो एक रीजनल सिनेमा और एक मेन स्ट्रीम सिनेमा का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही। रीजनल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, लिमिटेड बजट्स होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की हम बात करें तो वो सारी चीजें बहुत बड़ी है, यहाँ ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है, यहाँ के एवेन्यूज ज्यादा हैं, यहाँ बजट ज्यादा है, यहाँ के कैनवस बड़े हैं, और ये डिफरेंस शायद हर एक रीजनल इंडस्ट्री के साथ रहेगा। जहाँ तक गुजराती की बात है तो मुझे लगता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे वो बदलाव मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। हेलारो नाम की एक फिल्म आती है जिसे नेशनल अवार्ड मिलता है, उसने सारे जो स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी ब्रेक कर दी। आगे भी बहुत सारी ऐसी फिल्में अभी भी बन रही हैं। सो मुझे लगता है कि जैसे ही गुजराती सिनेमा अपने अपने साहित्य से जुड़ना शुरू करेगा, ऐसी कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करेगा जो कि एक टिपिकल गुजराती फिल्म से अलग है, उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसमें सिर्फ ड्रामा नहीं है, उसमें सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं है, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है, और गुजराती साहित्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, तो उससे जुड़कर कहानियां आना शुरू होंगी, वैसे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जिस तरह से फिल्मों की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से अपने फिजिक पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। स्कैम में आपका जिस तरह का अपीयरेंस दिखा उसके बाद आपने फिटनेस पर काफी मेहनत की, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखते थे, कैसा रहा वो दौर? वो दौर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्कैम के लिए मुझे कुछ 18-20 किलो वजन बढ़ाना था, वो मतलब पूरा जो फिजिकल फ्रेम था वो स्क्वेरिश फिजिकल फ्रेम, एक बड़ा मुंह पे यहाँ पर भी उनको ज्यादा वजन दिखना चाहिए था, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी पहले तो। और फिर जब स्कैम शूट खत्म हो गया मेरा, उसके बाद सीधा लॉकडाउन और ये सब अनाउंस हो गया था लास्ट ईयर, एंड आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई एक्स्ट्रा वेट, बिकॉज मैं कभी ऐसा था नहीं, आई वॉज ऑलवेज लीन एंड फिट। तो वही पहले 60 दिन मैंने इस्तेमाल किए लॉकडाउन के लास्ट ईयर के, और उस दौरान मैंने घर पे ही रह के एक्सरसाइज करनी थी, सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट था, खाने पे पूरा कंट्रोल किया और वर्कआउट किया, एंड आई गेस मुझे वो 60 दिन लगे एक्स्ट्रा 18 किलो निकालने में शरीर से। वजन बढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगी है घटाने में? बढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगी मुझे, बहुत मेहनत लगी वजन बढ़ाने, मतलब 9 महीने निकल गए मुझे वजन बढ़ाते बढ़ाते, 9-10 महीने। जी बिल्कुल, स्पेशली अभी बात करें आपकी आने वाली हिंदी फिल्मों की, अतिथि भूतो भव, वो भी आ रही है आपकी एक फिल्म, किस तरह से काम चल रहा है और हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? सो अभी मेरी दो फिल्में रिलीज होंगी, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो फिल्म जो रावण लीला है जो मैंने स्कैम के पहले शूट कर ली थी, दैट इज माई फर्स्ट फिल्म एज लीड, तो वो रिलीज होनी चाहिए जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हो बाहर, रिलीज का सब डिस्कशन शुरू करेंगे लोग। अतिथि भूतो भव मैंने 4 महीने पहले ही शूट की, जैकी श्रॉफ है उसमें साथ में,
जैकी श्रॉफ के साथ मैंने दूसरी बार काम किया, उनके साथ मैं पहले वेंटिलेटर में काम कर चुका हूँ, वेंटिलेटर गुजराती जॉब में की थी उसमें। सो दोनों फिल्में मजेदार हैं, अलग अलग किरदार हैं, मजा आएगा लोगों को होपफुली। गुजराती फिल्मों की बात करें तो आपको लगता है कि उसमें काम करने का, गुजराती कलाकारों के साथ काम करने का अपना एक अलग ही चार्म है? हाँ, वो मेरी मातृभाषा है और मैं सालों से गुजराती में बहुत कुछ स्टेज पे भी काम कर चुका हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू गुजराती लिटरेचर ऑल्सो, सो आई फील एट होम, आई फील दैट कम्फर्ट। गुजराती कौन सी ऐसे डिशेस है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और फिल्मों के सेट पर गुजराती डिशेस आप अपनी टीम के साथ कैसे एंजॉय करते हैं? हम लोग बहुत एंजॉय करते थे बिकॉज स्कैन के सेट पे तो बहुत सारे गुजराती थे, तो सबके घर से टिफिन आते थे और हम लोग सब बहुत मजे लेके खाते थे। हम लंच टाइम हमारा सबका बहुत फेवरेट होता था। कुछ दिनों बाद तो ये डिस्कशन होना शुरू हो गया था कि आज तुम क्या लाने वाला, आज तुम क्या लाने वाला। सो आई मीन यू रिमेम्बर योर स्कूल डेज सडनली, जैसे हम रोज जो टिफिन बॉक्स डिस्कस करते थे। गुजराती डिशेज में मुझे हर प्रकार का गुजराती खाना पसंद है। Well, TV9 के दर्शकों को फिटनेस टिप्स आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और साथ साथ उनका वजन भी उतना ही बढ़ रहा है तो आप क्या तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक चीज आप सब ट्राई करना, ये चीज मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम किया है इसे, कि आपको लगता है कि आप एक साथ 10-15-20 मिनट आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो पूरे दिन में 3-3, 4-4 मिनट या 5-5 मिनट के ब्रेक ले लें। जैसे लोग की सबको अलग अलग आदतें होती हैं, लोग फोन लेके बात करने की आदत होती है, किसी को बार बार इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया देखने की आदत होती है, वैसे ही सिर्फ 5-5 मिनट के ब्रेक की आदत डाल। जैसे ही 5 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट आप पूरे बॉडी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, अपर बॉडी, मिडिल मिड पार्ट एंड लोअर सेक्शन, और 5-5 मिनट के 3 ब्रेक भी लोगे तो 15 मिनट की एक्सरसाइज हो जाएगी एंड दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। लेकिन इसके साथ साथ डाइट के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? डाइट तो ऐसा है कि सब कुछ खाओ पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ। बिल्कुल, You don't avoid anything, don't deprive yourself of any taste, but eat in moderation, complete moderation. Absolutely, लेकिन स्पेशली एक आखिरी सवाल, बरसात के समय में लोग तली हुई चीजें और गर्मा गर्म चाय कॉफी ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी एंजॉय कर ही सकते हो पर बहुत कम, मतलब हफ्ते में 2 ही बार, बिकॉज आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपका शरीर आपसे कंटिन्यूअस बात करता है, तो ये अगर हम समझ गए तो फिर काम हो जाएगा। जी जी प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।